नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत 16 वर्षीय स्वच्छता एम्बेसडर एवं स्क्रेच पेंटिंग आर्टिस्ट शालीन कंसारा पुत्र मनोज कंसारा निवासी पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा ने लोक देवता कल्लाजी राठौड़ महाराज की अद्भुत अविस्मरणीय सुंदर स्क्रेच पेंटिंग बनाकर सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल को भेंट की। नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया और नगर कांग्रेस अध्यक्ष दीनबंधु पाठक के हाथों लोक देवता कल्लाजी राठौड़ महाराज की सुंदर स्क्रेच पेंटिंग का सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल पर विमोचन किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने सागवाड़ा शहरवासियों को जन्माष्टमी पर्व पर शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा कि नगर पालिका सागवाड़ा में उन्होंने जब से कार्यभार संभाला है, इससे पहले ही शालीन कंसारा स्वच्छता के लिए शहर में प्रयासरत है और इसके साथ ही एक प्रतिभा भी इसके अंदर निकल कर आ रही है और हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी एक ऐसी स्क्रेच पेंटिंग बनाए, उनकी इस कला के संबंध में हर संभव मदद की जाएगी। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, नगर कांग्रेस अध्यक्ष दीनबंधु पाठक के साथ मनोज कंसारा, भरत जोशी, पार्षद वार्ड नंबर 7 जगदीश बुनकर, राजू बागरिया, मगनलाल, रमेश शर्मा, प्रकाश बुनकर, घनश्याम कोतप्पा आदि उपस्थित थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। गमधज कला राठौड़ की जय। बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और यही हम चाहते हैं कि आपको मालिक की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से उच्च प्रशासनिक पद पर आप आसीन हो और शीघ्र ही आपके पिताजी का नाम बहुत ही पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में रोशन हो। नमस्कार, सागवाड़ा की जनता को मेरा हार्दिक नमन। जन्माष्टमी पर्व की मैं सभी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं और आप बड़े उल्लास से इस जन्माष्टमी पर्व को मनाएं जो आने वाले कल के दिन है, सोमवार को। और इस बीच हमारे नगरपालिका के स्वच्छता दूत मनोज कसारा के पुत्र शालीन कसारा, जो मैं नगरपालिका में जिस दिन से मैंने चार्ज लिया है उसके पहले से ही नगर को कैसे स्वच्छ रखा जाए उसके लिए ये बहुत प्रयासरत है और ऐसे युवाओं की हमें बहुत ज़रूरत है। उसी के साथ स्वच्छता का तो टैलेंट है ही इसमें कि कई मुझे राय दी हैं। इसके बाद इनका एक सागवाड़ा यूथ डेवलपमेंट भी इन्होंने बनाया है और समय समय पर सागवाड़ा को कैसे सुंदर बनाना उस मामले में इनका राय बराबर मेरे यहाँ आती है और मैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ सारी यूथ टीम को। और शालीन कसारा है जो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, उसकी मैंने कई पेंसिल से स्केच किए हुए कई बड़े बड़े देश के बड़े नेताओं के, बड़े खिलाड़ियों के और स्थानीय भी कई अधिकारियों के, कई स्थानीय पदाधिकारियों के, नेताओं के, मेरे स्वयं का भी उसने स्केच पोर्ट्रेट बनाया है, तस्वीरें बनाई है उसने और काफ़ी कुछ हुनर है इस लड़के में। और आज बहुत अच्छा अवसर है जितेंद्र सिंह जी सागवाड़ा लाइव न्यूज़ के जो प्रभु हैं उनके घर पे मैं आज आया और मैंने जो मुझे बुलाया गया था कि आज भगवान कल्याण श्री का एक पोर्ट्रेट बनाया है तो अब हम आपके हाथ से इसका विमोचन कराना चाहते हैं। तो वो जय कल्याण का भी जो पोर्ट्रेट बनाया है इसने बहुत ही शानदार बनाया है और इसके अंदर प्रतिभा है और मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रतिभा आगे बढ़े। मैंने आज उनको कहा है कि तुम अशोक जी गहलोत के और ऐसे बड़े नेताओं के स्केच बना करके मुझे दीजिए, मैं उन तक पहुँचाऊँगा और तुझे पूरे आगे बढ़ने में जो भी मदद हो सकती है मैं पूरी तरह से मदद करूँगा। और इसके लिए मैं फिर से उसको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ ऐसे लड़के को कि जो वास्तव में इतनी छोटी उम्र में भी इतनी अच्छी पेंटिंग कर रहा है, तो मैं उसके लिए उसको बहुत बहुत ही मदद के लिए भी मैं हमेशा मेरे हाथ उसके आगे रहेंगे और मैं उसको हमेशा अप्रिशिएट करता रहूँगा। धन्यवाद। चाहे सागवाड़ा लाइव न्यूज़। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।